अमृत परियोजना के तहत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में समूचे देश में एक अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत संत निरंकारी सेवा दल के सेवादार नदी नालों की सफाई करते हैं। रविवार देश भर में भी अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में घुमारवी में हमीरपुर जोन के जोनल इंचार्ज महात्मा गोवर्धन दास की अध्यक्षता में घुमारवी हवान दधोल कुठेड़ा कपाहड़ा के सेवादारों ने सीर खड़ के समीप साफ सफाई की। आपको बता दें कि घुमारवी के 40,000 लोग इस खड़ के पानी का प्रयोग करते हैं। संत निरंकारी सेवादारों ने सभी से गुजारिश करते हुए कहा कि स्रोतों के आसपास गंदगी ना फैलाएं और यदि कोई आपके सामने गंदगी फैलाने की कोशिश करता है तो उन्हें भी अपना परम कर्तव्य समझाकर अवश्य रोके, क्योंकि कहा भी गया है कि जल है तभी तो कल है। आज सफाई अभियान चला रहा है और निरंकारी मिशन के अनुयायी इसमें भाई और बहने मिल करके, सेवा दल के भाई बहन मिल करके इस कार्य को कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब सदगुरु के आशीषों से ही सत्संगत सारी सेवाएं करते हैं, क्योंकि जो गुरु कहता है गुरु सिख वही करने के लिए तैयार रहता है और सदगुरु समय का पैगंबर होता है, तो हम सबको ये सुखी करने के लिए ऐसी ऐसी युक्तियां निकालता है कि हम सारे खुशहाल कैसे हों। तो जो गुरु सिख सत्संगत गुरु के वचनों को मान करके सत्संगत चल पड़ता है उसके फिर बारे न्यारे हो जाते हैं। तो यही याचना कामना सच्चे पाशा आप जी के आदेशानुसार ये चारों ब्रांचें घुमारनी कुठेड़ा कपाड़ा दुदोल और हवान ये सभी पांच ब्रांचें मिलकर के आज ये घुमारनी में इस प्रोजेक्ट अमृत के तहत सभी सफाई में अपना योगदान देंगे और ऐसे ही सत्संगत हम इस बार दूसरे वर्ष में सत्संगत इस कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है ही और हमेशा से ये सुनते पढ़ते हुए आ रहे हैं कि धरती पर पीने लायक जल बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम किन्हीं न किन्हीं कारणों से जल स्रोतों को गंदा कर देते हैं, चाहे फिर वो नदी नालों के किनारे प्लास्टिक फेंकना हो या कूड़ा करकट फैलाना। संत निरंकारी मिशन इस मामले में समाज की चिंता करते हुए हर वर्ष 25 फरवरी को अमृत प्रोजेक्ट के तहत सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से समूचे देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक अभियान छेड़ता है, जिसके तहत संत निरंकारी सेवा दल के सेवादार नदी नालों की सफाई करते हैं। आज भी पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में यह अभियान चलाया जा रहा है और समाज को अपने आसपास साफ सफाई रखने का मैसेज भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में घुमारवी में भी ये कार्य घुमारवी धधोल कुठेड़ा कपाहड़ा ब्रांचेस मिलकर कर रही हैं। इस वक्त हम घुमारवी के सिरखट के समीप हैं और यहाँ कैमरा अगर थोड़ा सा घुमाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार तन्मयता प्रेम भाव और जोरों शोरों से ये संत यहाँ सफाई कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ भी इस खड्ड के हालात बेहद खराब रहते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को हवन सामग्री जल में प्रवाहित करने के साथ उसका थैला भी खड्ड में फेंकते हुए देखा गया है। इसके साथ ही मछलियों को दाना डालने के बाद प्लास्टिक के रैपर्स को भी यहाँ पर फेंकते हुए देखा गया है, जिससे यहाँ गंदगी रहती है। साथ ही आपको बड़ी बात बता दें कि घुमारवी के 40,000 लोग इस खड्ड के पानी का प्रयोग करते हैं। आप सभी से गुजारिश भी करना चाहूंगी कि जल स्रोतों को हमेशा साफ रखें, उनके आसपास गंदगी ना फैलाएं और यदि कोई आपके सामने गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें भी आप अपना परम कर्तव्य समझकर अवश्य रोकें, क्योंकि कहा भी गया है कि जल है तभी तो कल है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी कि यदि स्वच्छ जल है तभी तो स्वस्थ कल है।